नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। हम आशा करते हैं इस पाठ को सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और वह हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इसी के साथ पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सवारोचिष मनवंतर के चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे राजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदांतर राजा अपने नगर में अराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वंश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा सब जनों की परिस्थितियों को नहीं जान पाता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा पुत्र सदाचारी है या व्याभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन सब जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे।
राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उससे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है, और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देखते, और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है, जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोच में स्नेह से चूगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वे पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तदापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है, और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करें योग निंद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकैटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा की प्रसन्नता अर्थ एकार्ग मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जग आत्मा स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितरेश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वष्ट आकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो, तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी,
तुम ही संध्या सावित्री और संसार को जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणी सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूशुंडी, परिध आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो। आप संसार में अति सुंदर हो, पर और अपरो में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशासित हो। मधु और कैटम नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटम असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उस समय भगवान विष्णु के नयन मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पर पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटम असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। मेधा ऋषि ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। जयकारा सच्चे दरबार का बोल, सच्चे दरबार की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।